दोस्तों इस टाइम मैं हूँ पुरी के बीच पर, ये मेरे पीछे देख लो पुरी का बीच है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ OTDC। OTDC का मतलब होता है उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक्चुअली ये जो बनाया गया देखो मेरे पीछे, ये OTDC का ऑफिस है और OTDC के ऑफिस में आपको, अगर आप पुरी आते हो तो पुरी आने के बाद आपको कहीं भी घूमना है तो OTDC के जो है ऑफिस में आके आप जो टूर पैकेज जो बुक कर सकते हो। ये प्योर गवर्नमेंट का ऑफिस है। गवर्नमेंट मतलब उड़ीसा टूरिज्म सेंटर का जो है टूरिज्म का जो गवर्नमेंट का ऑफिस है और सबसे कम से कम पैसों में आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी आपको इस जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर जब आया था तो मैंने यहीं पर ही बुकिंग कराई टूर वन और टूर टू। टूर वन में मुझे जो घुमाई गई थी, उसके बाद टूर टू जो कि मैंने आज किया था चिल्का लेक का, और मुझे अच्छे से ले जाया गया था। मुझे गाइड भी प्रोवाइड हुआ था और हर चीज़ मुझे जानने को मिली। ये पीछे देख रहे हो, अभी मैं ऑफिस के अंदर जाऊंगा और सारी इन्फॉर्मेशन लूंगा और आपको बताऊंगा कि इस OTDC में आपको जो क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो उड़ीसा आते हैं, पुरी आते हैं, अगर वो घूमने का प्लान बनाता है तो इससे बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो ये कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है आपको कवर कराते हैं। और मैं अब अंदर जाता हूँ ऑफिस में और ऑफिस में सारा इसका प्राइस आपको बताता हूँ। पीछे गर्विश है, मेरी भी थोड़ी हालत ख़राब है क्योंकि मैं चिल्का से मैं आज ही आया हूँ। तो अंदर चलते हैं, प्राइस पता करते हैं। ये OTDC के जो फ़ोन नंबर है, ये सारे फ़ोन नंबर है, उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो है वो है पूरा ऑफिस है। पीछे देख रहे हो पूरी बीच है, सामने जो प्रोग्राम चल रहा है पीछे पूरी बीच है, फेमस पूरी बीच जिसे कहते हैं। ये उसके सामने ही उड़ीसा का टूरिज्म सेंटर है। ये होटल हैं उड़ीसा के जो बन रहे हैं अभी, गवर्नमेंट के ही होटल हैं जो कि अभी जो होटल चालू नहीं हुआ, ये बन रहा है, अंडर प्रोसेसिंग में है। अब मैं अंदर ले जाता हूँ आपको और ये देखिए मैं अंदर आ चुका हूँ। मैं आया था यहाँ पर 21 तारीख को ही मैंने जो यहाँ पर बुकिंग करवा दी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर जो है ज़्यादा जो भीड़ हो जाती है, तो मैंने बिल्कुल सही किया, 21 तारीख को मैंने बुकिंग करवाई। जब मैंने यहाँ के प्राइस जानने चाहे तो मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस लगे और कम से कम समय में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने घुमाया। और सही बताऊँ अगर आप अकेले घूमोगे तो आप नहीं घूम पाओगे पूरा उड़ीसा, लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हो और यहाँ का टूर बुक करते हो तो आपको जो है ज़्यादा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है आपको जो है जानने को मिलेगी। अब मैं भाई साहब से बात करूँगा और आपको पूरी इसकी जानकारी दूंगा। जब भी कभी आप पूरी आओगे और यहाँ का पैकेज आप ज़रूर बुक करना, अगर आप नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी चीज़ जो है मिस कर दोगे क्योंकि प्राइवेट भी है यहाँ पर, प्राइवेट इतना नहीं घुमाएंगे जितना ये घुमाते क्योंकि ये प्योर गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट आपको पता है गवर्नमेंट की चीज़ है तो गवर्नमेंट तो अपना अच्छे से लेकर ही चलेगी। तो मैं भाई साहब से बात करूँगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो में आवाज़ साफ ना आने की वजह से मैं ये आपको वैसे ही बता रहा हूँ। भाई साहब ने हमें बताया कि ये जो बस जो जाती है ये इसमें जो पर पर्सन होता है ₹535 पर पर्सन आपका जो है चार्ज आता है, जिसमें कि आपको एक पर्सनल गाइड मिलता है, AC बस मिलती है और जो है 2x2 की इसमें जो है सीट होती है और पूरी लग्जरी बस होती है। बस की टाइमिंग होती है सुबह 6:30 बजे जो कि पंथ निवास ये आपको पड़ेगी पूरी बीच से 1 किलोमीटर दूर पर जो है पंथ निवास का गवर्नमेंट हॉस्टल है, होटल कह सकते हैं इसको, वहाँ पर आपको ये बस मिलेगी और 6:30 बजे शार्प ये वहाँ से चल देगी। और जब ये वहाँ से चलेगी तो आपको पर्सनल गाइड आपको जो है समझाता हुआ जाएगा, बताता हुआ जाएगा, आपको जो है ये लिस्ट में दी गई चीजें जो भी है आपको यहाँ पर बस ले जाएगी। हमें जो पहले ले जाया गया था वो सैंड आर्ट म्यूजियम ले जाया गया था, उसके बाद फिर चंडी देवी टेम्पल ले जाया गया था, चंद्रभागा बीच हमें ले जाया गया था, उसके बाद हमें कोणार्क का मंदिर हमें दिखाया गया था और फिर उसके बाद हमें शांति स्तूप ले जाया गया था, लिंगराज मंदिर हमें ले जाया गया था और उसके बाद हम पहुंचे थे भुवनेश्वर सिटी जो कि जो है भुवनेश्वर में काफी फेमस सिटी है। वहां पर हमें खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ों पे ले जाया गया था जहां पर हमने पूरे जो है वहां का टूर किया। उसके बाद हमें 3 बजे के करीब हमें उन्होंने लंच कराया, लंच मतलब हमें अपने पैसों से ही लंच करना पड़ता है। उसके बाद हमें जो है चिड़ियाघर हमें जू दिखाया गया था और जू में भी हमारे साथ जो हमारे पर्सनल गाइड थे वो साथ रहे। और हम आपको बता दें ये जो चार्ज है ₹535 ये सिर्फ बस का चार्ज है जो आपको जो है हर जगह
जगह घुमाएंगे। अगर आपको टिकट लेनी है, जैसे हमें जो है कुछ कुछ जगह पे टिकट हमें लेनी पड़ी, जैसे नंदनकानन जू हो गया, उदयगिरी खंडगिरी हिल्स हो गई, और हमें जो है कई सारी जगह जो हमें जो है वो टिकट लेनी पड़ी। लेकिन आपको गाइड के द्वारा बता दिया जाता है कि आप जो है तीन मोड से आप टिकट ले सकोगे। पहला, आप अपने आप टिकट लो, दूसरा ऑनलाइन टिकट बुक कर लो, तीसरा आप जो है गाइड को दे दोगे पैसे। जो भी पैसे होंगे वो आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, जो भी है पैसे। मेरे हिसाब से जो हमारा जो खर्चा हुआ था वो 278 या 75 रुपए के आसपास, हमारा दो पर पर्सन जो 200 रुपए की 75 रुपए 275 रुपए टिकट लगी थी। उसके बाद हमने उन्हें पैसे देते और हमारे जो है उन्होंने टिकट का अरेंज जो है उन्होंने ही कर दिया था। जितने भी बस में जितने भी पैसेंजर जा रहे थे उन्होंने हमारे टिकट का अरेंज कर दिया। और हमें अच्छी बात ये लगी कि हमें वहां पर किसी भी लाइन में नहीं लगना पड़ा। हमारी एंट्री जब भी होती थी एक VIP एंट्री होती थी, क्योंकि OTTC बस जो है गवर्नमेंट की बस है और गवर्नमेंट के थ्रू हमारी एंट्री हो रही है। तो आपको जब भी किसी भी मॉन्यूमेंट में आपकी एंट्री होगी या मंदिर में एंट्री होगी या जू में एंट्री होगी, आपकी पूरी VIP एंट्री होगी, आपको किसी भी तरह लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उसके बाद हम अगले दिन हमने जो है पहले टिकट बुक कर ली थी। अगले दिन का जो टूर था हमारा चिल्का लेक का टूर था, और चिल्का लेक जो है इतनी बड़ी लेक है, इतनी बड़ी झील है जो कि आपको जो है पूरा दिन निकाल के जाना पड़ेगा। और जो चिल्का लेक की जो हमें टिकट पड़ी थी, जो बस का जो प्राइस था वो 380 रुपये पर पर्सन था। सेम बस थी, मतलब बस चेंज हो गई थी, वो भी लग्जरी बस थी, 2x2 सीट थी उसमें, और वहाँ भी हमें पर्सनल गाइड मिला था। और आपको ये बताया अब चिल्का लेक हम जाएंगे, जब हम चिल्का लेक गए तो वहाँ पर हमें बीच में जितनी भी मंदिर पड़े बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, वो जो गाइड जो है हमें बताता हुआ गया था। चिल्का लेक पहुँचने के बाद वहाँ पर हमने जो है पहले जो है खाना बुक कर लिया, क्योंकि चिल्का लेक के वापस आने पर जो है हमें जो है वो लंच जो है हमें प्रॉपर तैयार मिल जाता। जो भी आपको पे करना पड़ेगा, आपको अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा, जो भी आप खाना खाना चाहते हो। जो 380 रुपये टिकट है वो सिर्फ चिल्का लेक की बस की टिकट है। उसके बाद अगर आपको चिल्का लेक में बोट सवारी करनी है तो उसमें भी पर्सनल गाइड द्वारा आपको समझा दिया जाएगा कि आपकी टिकट जो है किस तरह से होगी। आप उनको पे करोगे, वो आपकी टिकट खुद ही ले लेंगे, और पूरे ग्रुप के साथ आप जो है चिल्का लेक का एंजॉय करोगे। आपको वो डॉल्फिन दिखाएंगे और डॉल्फिन जहाँ जहाँ होगी वहाँ पर दिखाएंगे, और एक प्रकृति का जितना बढ़िया नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे। और आपको मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। उसके बाद आपको जो है एक बीच पे ले जाया जाएगा, बीच का नाम है हंसराज आइलैंड पे आपको ले जाया जाएगा। हंसराज आइलैंड के बाद जो है वहाँ पर आप जो है सी बीच मिलेगा, आपको डॉल्फिन भी दिखाई जाएगी, चिल्का लेक वहाँ पर आपको सब कुछ दिखाने के बाद पूरा प्रॉपर, ये कम से कम मान के चलो आपका 4 से 5 घंटे का आपका सफ़र होने वाला है चिल्का लेक का, बहुत बड़ी चिल्का लेक है। उसके बाद आप जो है लंच टाइम में 1 से 2 बजे के करीब आप जो है वापस आओगे और वहाँ पर लंच करोगे, और आप जो है फिर जो पुरी के लिए निकल जाओगे। और भी कई सारी चीज़ें थी जो कि आप जो है इसमें जो है लिस्ट में आप देख सकते हैं। अगर आपको 4th डे भी करना है, तीसरे दिन भी आपको जो है जाना है, तो उसमें जो है सारी आइटनरी इसमें लिखी हुई है, और आप जो है OTTC के थ्रू जो है आप जा सकते हो। तो ये थी OTTC की पूरी जानकारी। जब हम पूरी गए थे हमने जो OTTC का काफ़ी भरपूर फ़ायदा लिया। अगर आप प्राइवेट बस से जाते हो, प्राइवेट गाड़ी करते हो, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। मान के चलो मैंने वहाँ पर पता किया था पर डे का वो 2 से 2500 रुपये जो है वो खर्चा बता रहे थे, सिर्फ टैक्सी का खर्चा बता रहे थे, और उसके बाद आप टिकट लोगे अलग से। लेकिन OTTC के थ्रू आप जाते हो तो आपको जो है बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, और ऊपर से आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हो, शांति से जाओगे तो आपको जो है मज़ा आने वाला है। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कभी भी आप पूरी जाओ तो OTTC के, अगर आपको जाना है OTTC के थ्रू, तो OTTC के थ्रू आप जो है जा सकते हो। पूरी बीच पर ही OTTC का ऑफिस है, आप वहाँ से टिकट बुक कर सकते हो। दूसरा आप टिकट बुक कर सकते हो पंत निवास जो कि अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट हॉस्टल है। तो इस वीडियो में जो है इतना ही, और बने रहिए इस वीडियो में, और प्लीज़ इस वीडियो को मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।